जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी मित्रों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन बहुत ही जल्दी आपके जो विशेष पर्व में गिना जाता है। रक्षाबंधन का तात्पर्य रक्षा प्लस बंधन, जिसे रक्षा के सूत्र में आप बांधते हैं। आजकल यह योग सिर्फ भाई बहन के बीच में सिमट गया है। बाकी रक्षाबंधन का तात्पर्य तो यह होता है कि एक दूसरों को रक्षा का वचन देना, यही रक्षाबंधन है। अतः रक्षाबंधन उत्सव अगर आप कहें तो धार्मिक रूप से आप अपने भाव से ठाकुर जी को अगर एक रक्षाबंधन अर्पित करते हैं, और विशेष रूप से अगर अपन ग्रह के हिसाब से अगर बात करें तो अगर पीली राखी या लाल राखी ईश्वर को चढ़ती है, इससे आपको शुभ तत्वों की प्राप्ति होती है। रक्षाबंधन उत्सव अगर आप ठाकुर जी को या बजरंग बाला जी को या जिसी भी आपको इष्ट मानते हो, महादेव पार्वती शक्ति, आप इस भाव से उनको रक्षाबंधन सूत्र बांधते हैं कि हे बालाजी महाराज, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरी वर्ष भर आप मेरी रक्षा करें, तो निश्चित ही यह जो पर्व है, जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा को यह पर्व आता है, इस दिन अगर आप यह कार्य करते हैं, मम रक्षा करु देव, यह मंत्र अगर आप पढ़कर और यह रक्षा सूत्र उनको बांधते हैं, तो निश्चित ही वह देव आपकी रक्षा में बनते हैं और आपकी वर्ष भर वह रक्षा करते हैं। रक्षाबंधन भावों का पर्व है। अगर आप शुद्ध भाव से आप यह रक्षाबंधन का सूत्र किसी भी देव को यह बांधते हैं, और भाव इस प्रकार रखिए कि किसी बहन के अगर भाई नहीं है तो वह बालाजी को अपना भाई बना ले, या कृष्ण को अपना भाई बना ले, या शिव को अपना भाई बना ले, और वह यह माध्यम से करे कि हे बालाजी महाराज, मैं आपको आज से अपना भाई रूप में मैं स्वीकार करती हूँ और यह रक्षाबंधन में आपको बांधती हूँ। तो मेरा निश्चित मानिए, क्योंकि मैंने यह प्रयोग कईयों को कराया है। कईयों की शादी नहीं हो रही थी तो यह प्रयोग कराया, कईयों को मानसिक तनाव रहता था, कईयों को व्यापार में घाटा हो रहा था, और मैंने यह प्रयोग कराया क्योंकि अगर आप जिस भाव से अपने परमात्मा को पूछते हो तो वह उस रूप में आपको मिलता है। और यह रक्षाबंधन जो पर्व है, यह बड़ा ही सुंदर पर्व है, जिसमें आप अपने इष्ट को एक बंधन से बांध सकते हो। अतः एक छोटा सा प्रयोग आप करके देखें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। ऐसे वीडियो और ऐसे ज्ञान के लिए आप और सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। इसी के साथ मैं पंडित रवि कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।